jump. नमस्कार, आप सबका स्वागत है। चारा घोटाला मामले में शनिवार की दोपहर सीबीआई कोर्ट ने लालू प्रसाद को दोषी करार दिया है। 3 जनवरी को उन्हें सजा सुनाई जाएगी। लालू को दोषी करार दिए जाने के तुरंत बाद उन्हें हिरासत में ले लिया गया। इसके बाद राजद समर्थकों ने हंगामा शुरू कर दिया। कई लोग लालू प्रसाद की गाड़ी के आगे आकर बैठ गए। हंगामा बढ़ता देख पुलिस ने राजद समर्थकों पर लाठीचार्ज किया है। इसके कई कार्यकर्ताओं को चोटें आई हैं। वहीं इस मामले में बिहार के पूर्व सीएम जगन्नाथ मिश्रा और विद्यासागर निषाद समेत 7 लोगों को रिहा कर दिया गया है। इससे पहले पेशी के लिए बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद कोर्ट के लिए निकल चुके थे। इसी बीच रास्ते में उन्हें खबर मिली कि फैसला आने का समय 3 बजे का हो गया है। इसके बाद आधे रास्ते से लालू प्रसाद वापस लौट गए। फैसले के बाद राजद के सीनियर नेता रघुवंश प्रसाद सिंह ने कहा कि एक ही मामले में लालू को जेल और जगन्नाथ मिश्रा को बेल मिला है। यह घोर अन्याय है। यह कैसा फैसला है? यह भाजपा की साजिश है। लड़ाई आगे लड़ेंगे। बेल के लिए हाईकोर्ट जाएंगे। यह कानून संगत नहीं है। आप उस तरफ है। वहीं लालू ने कोर्ट जाने से पहले कहा कि उनकी पार्टी भाजपा को उखाड़ फेंकेगी। उन्हें कोर्ट पर पूरा भरोसा है। लालू ने अपने कार्यकर्ताओं से कहा कि फैसला चाहे जो भी है वे शांति व्यवस्था बनाए रखें। लालू के साथ उनके बेटे तेजस्वी यादव भी हैं। इसे लेकर बिहार से करीब 200 से अधिक गाड़ियों से 500 से ज्यादा कार्यकर्ता रांची पहुंचे हैं। कोर्ट में सुनवाई के दौरान इनके मौजूद रहने की पूरी उम्मीद है। 10:30 बजे लालू प्रसाद बीएनआर होटल से रांची के स्पेशल सीबीआई कोर्ट के लिए रवाना हुए। 10:40 बजे लालू के एडवोकेट ने उन्हें फोन कर फैसले के 3 बजे आने की जानकारी दी। इस बीच लालू ने कार में बैठकर ही अपनी हाजिरी के कागज पर साइन किया। इसके बाद लालू प्रसाद रांची बीच रास्ते से वापस बीएनआर होटल के लिए निकल गए। 2:40 बजे दोपहर लालू प्रसाद दोबारा सीबीआई कोर्ट पहुंचे। कोर्ट में राजद नेता शिवानंद तिवारी ने कहा कि लालू प्रसाद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाकर उनसे बड़ा अपराध हो गया। तिवारी ने कहा कि उन्हें एहसास हो रहा है कि उनसे बड़ी गलती हो गई। सीबीआई के स्पेशल कोर्ट में चारा घोटाला के मामले में लालू प्रसाद जगन्नाथ मिश्र समेत 22 आरोपियों पर फैसला आना है। इधर बिहार के पूर्व सीएम जगन्नाथ मिश्र ने शनिवार को एक बार फिर दोहराया कि उन्हें लालू प्रसाद ने जानबूझकर इस मामले में फंसाया है। 1997 के जुलाई महीने में लालू प्रसाद पहली बार जेल गए थे। चारा घोटाले में 900 करोड़ रुपए के हेर फेर का आरोप है। इसी घोटाले में सजा हो जाने के कारण लालू प्रसाद को मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़कर जेल जाना पड़ा था।